वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आप लोगों को वैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज के रिगार्डिंग होने वाला है। तो देखो देखो, आप लोगों ने रॉयल इनफील्ड को मॉडिफाई हुए देखा होगा, KTM को मॉडिफाई हुए देखा होगा। मतलब KTM को आप लोग स्क्रैम्बलर में भी मॉडिफाई कर सकते हो और रॉयल इनफील्ड को आप लोगों ने बॉबर स्टाइल में भी देखा होगा। लेकिन आज अपन इस वीडियो में हार्ले डेविडसन की बात करने वाले हैं। उसको एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बहुत ही टेस्टफुली मॉडिफाई किया गया और एक बहुत ही अच्छी थीम आप लोगों को देखने में मजा आएगा। तो अभी चलते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलना। अभी स्टार्ट करते हैं रोलिंग शॉट से। वेल, मैं बात करूं मॉडिफाइड बाइक्स को चलाने में बहुत ही अलग फील आता है, एक मतलब कि अलग सा एक थंप आता है बॉडी के अंदर। तो आज अपने पास है हार्ले स्ट्रीट 750। तो आप लोगों ने पहले देखे होंगे पास के अंदर कि रॉयल इनफील्ड 500 सीसी को एक बॉबर स्टाइल में मॉडिफाई कर दिया। आज आप लोगों को ये वाली जो बाइक देखने को मिल रही है, ये है हार्ले स्ट्रीट 750, जिसको एक बॉबर एक हार्डटेल स्टाइल में मॉडिफाई किया गया, काफ़ी टेस्टफुली मॉडिफाई किया गया। जो इस बाइक के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ जो देखने की है ना, वो है इसकी थीम। तो जो इसके ओनर थे, उनकी पर्सनल ये रिक्वायरमेंट थी कि इसको एक पीकॉक थीम पे तैयार किया जाए। तो पीकॉक थीम में आप लोगों को इसका जो क्राउन है वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। प्लस जो ये वाला जो टैंक है ना भाई, ये टैंक को बनाने में बहुत टाइम लगा होगा। कई फोटोज़ के अंदर देख के ऐसा लग रहा होगा कि रैप है, तो उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये रैप नहीं है। रोड पे चलने के बाद ना इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी हो गई है, लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट की। जो हार्ले स्ट्रीट 750 का जो इंजन आता था, सेम इसका रखा गया। बस एक चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर अच्छी कर दी है, वो ये है कि इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया। पहले 11-12 लीटर आता था, लेकिन अभी इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है, मतलब पूरा कस्टम बना दिया है पूरा टैंक। तो इस बाइक को आप सिटी राइड भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड पे भी लेके जाना है तो मतलब लेके जा सकते हो, लेकिन स्ट्रेट हाईवे पे। इसके अंदर आप लोगों को एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अभी जितना ये लाउड था उससे हमने थोड़ा कम कर दिया। यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों ने डीबी किलर्स वगैरह लगा दिए, जिससे क्या है ना, इतनी लाउड नहीं रहेगी। तो काफ़ी अच्छा काम किया वर्क एक्सट्रीम कस्टम्स ने। तो सबसे पहले अपन इसके पीछे के टायर की बात कर लेते हैं। इसका जो पीछे का टायर का जो साइज है वो है मिशलिन 180/55, एंड जो पीछे का है वो है 17 इंच का, और जो फ्रंट जो टायर है वो है C800/1919। फ्रंट जो आप लोगों को व्हील देखने को मिल रहा है वो है 19 इंच का। तो इसका जो हैंडल बार है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सिटिंग पॉस्चर दिखा देता हूँ कि आप जब इस बाइक पर बैठते हो ना, तो कुछ ऐसा प्राउड फीलिंग से आती है कि हाँ, कुछ किसी चीज़ पर बैठे हो आप। तो इसका जो टैंक है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठने के बाद। प्लस इसका जो कंसोल है वही सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हार्ले स्ट्रीट 750 में पहले देखने को मिलता था। एंड यहाँ पे जो हैंड बार्स हैं, इसको क्रोम डिज़ाइन दिया गया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसको इसको ब्लैक किया जाए, लेकिन जो वर्क एक्सट्रीम कस्टम पे ऋषिराज भैया थे, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि इसको अपन ब्लैक ना करके इसको क्रोम ही रखते हैं। प्लस इसके जो इंडिकेटर्स हैं, ये भी आप लोगों को क्रोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आगे का जो फ्रंट मड फ्लैप है, इसके ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा एक क्रोम टच देखने को मिलेगा। जो पीछे का जो मड फ्लैप है, इस पर भी आप लोगों को यहाँ पे क्रोम टच देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स पे भी आप लोगों को थोड़ा सा क्रोम टच देखने को मिलेगा। जो एग्जॉस्ट है, इस पर भी आप लोगों को क्रोम फिनिश मिलेगा, जो कि साइड से देखते हो आप बाइक को तब ज़्यादा अच्छे से दिखती है। इसके सबसे बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं ना मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, कि भैया मॉडिफाई करने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है, वो सारी चीज़ें अपन इसी वीडियो में कवर करेंगे। ऋषिराज भैया को भी बुलाएंगे इस वीडियो के अंदर। और इसकी जो लाइट है वो भी काफ़ी सुंदर लग रही है, आगे जो आप लोगों को प्रोजेक्टर वाली दिख रही होगी, एक छोटी सी रिंग लाइट है। अभी इसको बंद कर देता वरना बैटरी डाउन हो जाएगी। तो अभी ऋषिराज भैया को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया इस बाइक को मॉडिफाई करने में कितना टाइम लगा और क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। सो यहाँ पे आ चुके हैं ऋषिराज भैया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कितनी अच्छी बाइक बनाई है, वो भी नेशनल बर्ड पे। मतलब
क्या बताऊं मैं इस बाइक को देखने में बहुत ही मजा आ गया ऋषिराज भैया। सो आज से पहले मैंने जितने मॉडिफिकेशन देखे ना आपके पेज पे, क्योंकि मैं ऋषिराज भैया को अब से नहीं जानता हूं, मैं 3 से 4 साल हो चुके हैं, एक इन्होंने डार्क नाइट तैयार करी थी तब भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार करी थी इन्होंने। आज अपन इस बाइक के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर कितना टाइम लगा और जो मेन जो जहाँ टाइम लगा ना उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऋषिराज भैया मेरे को ये बताओ कि ये वाली थीम आपके दिमाग में आई कैसे और इसके अंदर कितना टाइम लगा? लोकेश, इस बाइक को बनाने में हमें लगे 3 महीने। 3 महीने? तो मेन जो चैलेंजिंग वाला जो पार्ट था ना वो क्या था इस बाइक को मॉडिफाई करने में? चैलेंजिंग पार्ट था इसका पेंट वर्क। ऑल्दो वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे हार्ले स्ट्रीट 750 के, लेकिन नेशनल बर्ड वाली थीम पे अभी तक मुझे लगता किसी ने तैयार किया है, am I right? Yes. 3 महीने के टाइम में मैक्सिमम हमारा टाइम कंज्यूम हुआ पेंट वर्क में। ओके, जिसमें आप ये मानकर चलना कि ये जो पेंट का हमने जो कंप्लीट इसका कैनवास वर्क कंप्लीट हुआ, इसको हमें लगे अराउंड 15 से 20 दिन। ओके, सो एक और चीज आप लोगों के दिमाग में अभी ये आ रही होगी कि हार्ले स्ट्रीट 750 तो बेल्ट ड्राइव आती थी, इन्होंने चेन ड्राइव क्यों बनाया? ये वाले क्वेश्चन का जवाब ऋषिराज भैया खुद देंगे। इसको हमने चेन ड्राइव में कन्वर्ट इसलिए किया बिकॉज जो पीछे का फ्रेम हमने कंप्लीट इसका ना बैक रियर फ्रेम पूरा कस्टम मेड है जो हमने खुद बनाया था, तो इसकी लेंथ नॉर्मल से थोड़ी सी पीछे से एक्सटेंड हुई थी। okay. तो हम बेल्ट पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। okay. तो जाकर हमने इसको चेन ड्राइव पे अपना कंप्लीट शिफ्ट किया था, पूरा शिफ्ट किया, एंड इट इज मोर सक्सेसफुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओनर को आपने दिखा दिया अभी तक ये बाइक? जी हाँ जी। तो उनको कैसा लगा, उनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा? रियली हैप्पी एंड रियली लाइक, मतलब उनको जो चाहिए था वो आपने पूरा उनको तैयार करके दे दिया। हाँ जी। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरे जो दिमाग में आ रहा है ना, इंडिया के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी बाइक्स को मॉडिफाई किया जाता है, रैप किया जाता है, तो चलो रैप की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर पूरा पेंट वर्क आपने किया है, बहुत सारे काम अच्छे अच्छे किए हैं, तो ये सारी चीजें लीगल है या इलीगल है? RTO की परमिशन हमें लेनी होती है। ओके, उसके बाद जैसे अभी हमारी RTO में बात हो चुकी है एंड दे आर लाइक दे परमिटेड आर दिस मॉडिफिकेशन, कुछ अमाउंट लगेगा राइट? हाँ जी, उनकी एक फीस होती है, वो आपको पे करनी है, उसके बाद आप RTO से इनकी परमिशन ले सकते हैं। और सो व्हाट अबाउट एग्जॉस्ट एंड ऑल, जो सारी चीजें जैसे आपने अभी तो इसके अंदर डीबी क्लियर लगा के थोड़ा फिर भी साउंड कम कर दिया, सच्ची बता रहा हूँ कल शाम को मैंने बाइक चलाई थी बहुत ज्यादा लाउड थी, बैकफायर आ रहे थे। ये एग्जॉस्ट हमारा कस्टम मेड है कंप्लीट, इसका जो भी हमने अंडर दी RTO परमिशन। So, सारी चीजें ना परमिशन को ध्यान में रखते हुए की गई हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे से आपने लगाए हैं, मतलब। So, let me tell you guys, एक अलग सा फील आ रहा था ट्रैफिक के अंदर चलने में कि हाँ मैं कुछ चला रहा हूँ। एंड रही बात इसके जो यहाँ पे जो मोर पंख आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ना, अभी भी ये कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ऐसे प्राउड से फीलिंग आ रही है कि हाँ नेशनल बर्ड पे कोई बाइक तैयार की गई है। देखो इस बाइक को चलाओ मत चलाओ, लेकिन एक शोपीस बना के घर पे तो खड़ा कर सकते हो एटलीस्ट कि हाँ अभी इसको एक टेस्ट राइड पे वापस लेके चलते हैं और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करवाते हैं कि ये बाइक अभी चलने में कैसी है, कैसे इसका एकदम कॉकपिट व्यू आ रहा है। तो लेट्स गो। वेल, तो दिस इज हाउ इट लुक्स जब आप मोटो व्लॉग करते हो, एंड लेट्स फील इट। मतलब बेसिक रॉयल एनफील्ड 350-500 को बनाने में भी कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसके अंदर थंप है भाई, आवाज भी है जैसी आपको चाहिए एक मॉडिफाइड बाइक के अंदर। घोस्ट राइडर वाली फील आ रही है। और कल से तो फिर भी इसकी काफी कम हो गई आवाज, कल तो बहुत ज्यादा लाउड थी है। कल बहुत ज्यादा बैकफायर दे रही थी, बट मयूरा इसका हमने नाम रखा है। ये देखो कहाँ चल रहे हैं दोस्त। बूम। तो ऐसी और भी बहुत सारी बाइक्स हैं ऋषिराज भैया के पास, वो आने वाले टाइम पे आप लोगों को मैं वन बाय वन कवर करके दिखाऊंगा। एक अभी हिमालयन तैयार करी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, वो भी दिखाएंगे आपको। ओह हो।
सो वेल, ये थी हार्ले स्पीड 750 जो मॉडिफाई की है उसकी टेस्ट राइड। आई होप आप लोगों को इसका साउंड पसंद आया होगा। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी, क्योंकि देखो यार, मैं तो सच्ची में इसको देख के बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। जो ऑनर होंगे इस बाइक के तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका जो कॉस्टिंग वगैरह अगर आप लोगों को पता करना है तो आप ऋषिराज भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनके जो फेसबुक पेज है, जो उनका इंस्टाग्राम पेज है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आ सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जिसका पीछे से जो लुक आता है ना, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग लगती है, क्योंकि मेरे को काफी सारे लोगों ने बोला कि भैया पीछे से बहुत ही ह्यूज लग रही है ये वाली बाइक। तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। अभी आपको मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय, राइड सेफ। आगे चला के